ए खुदा ख्वाब एक सच्चा दे दे, इस बार मानसून कुछ अच्छा दे दे। जी हाँ, हमारा किसान कुछ इसी तरह की मिन्नतें मांगता हुआ, कुछ इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करता हुआ अपने खेत की तरफ जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर वो खेती पर ध्यान ना दे और उत्पादन कम हो तो भी उसका घाटा निश्चित है, और अगर वो पैसा खर्च करके केमिकल लाकर और भी कई तरह की मशीनरी लगाकर पैसा लगाकर उत्पादन बढ़ा लेता है तो भी उसे उचित दाम नहीं मिल पाता। ऐसे में किसान क्या करे, वो अपने आप को हर जगह ठगासा महसूस करता है। ऐसे में उसे जरूरत है खेती के जीरो बजट फार्मूले की। क्या है ये जीरो बजट फार्मूला, आज हम जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। यदि आप भी इस बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो 0141-451-5103 पर फोन करके सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी इस मुहिम में जिसके कि आज 199वां एपिसोड है, यानी कि 200 एपिसोड के माइलस्टोन से हम सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड पीछे हैं, इसमें हमारे सहभागी हैं समाधान टेक्नो खेती। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राम राम साहब। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया आपको कि हम जानना चाहते हैं खेती का जीरो बजट फार्मूला, ऐसा फार्मूला जिसमें किसान को बाजार से कुछ भी ना लाना पड़े, उसे जो जरूरत है वो अपने ही खेत में उपज जाए, उसे जो जरूरत है वो अपने पशुओं से मिल जाए। लेकिन ये कैसे संभव है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अतुल गुप्ता को। डॉक्टर अतुल गुप्ता डायरेक्टर हैं एनिमल चैरिटेबल ट्रस्ट के, और जो काफ़ी समय से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, औषधीय पौधे लगाते हैं, औषधीय खेती करते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो अतुल जी, आपका हमारे राम राम सा के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से आपको एक बार फिर से प्यार भरा राम राम सा। अतुल जी, आप काफ़ी समय से किसानों की मदद कर रहे हैं, किसानों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा फार्मूला ईजाद किया जाए जिससे कि कम लागत हो और मुनाफा ज़्यादा हो। क्यों ज़रूरत पड़ रही है, सबसे पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम, और आप सभी A1 TV के सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत शुभेच्छु। आप इतना अच्छा कार्यक्रम इस पूरे राजस्थान में चला रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम किसानों के लिए एक प्रेरणादायक होते हैं। अब प्रश्न आता है कि आज की जो परिस्थिति है जिसमें क्यों ऐसी स्थिति होती जा रही है कि किसान कोई भी खेती करता है तो वो कन्वेंशनल कल्टीवेशन जो करता है, यानी कि जो गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, कपास या किसी भी तरह की ऐसी खेती जो कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का एक हिस्सा है और वो बहुत ज़रूरतमंद है, लेकिन उसकी खेती बहुत बड़े क्षेत्र में भी हो रही है और उस पर दुनिया की सभी प्रकार की रिसर्च होने के बावजूद भी किसान आज की तारीख में खेती करके खुश नहीं है। वो एंड ऑफ द डे यही मानता है कि उसकी पॉकेट में 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 या जितना भी क्षेत्र हो उसका, उतना नुकसान उसके पास में मिला है, उसको इनकम नहीं हुई है। ऐसा एक दृष्टिकोण किसानों के सामने आ चुका है जी। अब बात यह आती है कि ऐसी स्थिति क्यों है। मैं जो बात कह रहा हूं, आप किसान भाई एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपके दिल की बात ही मैं बोल रहा हूं, बस आपको यह समझना है कि इस दिल की बात को अपने आप को समझाना है कि आप उसको स्वीकार कर लें कि यही सच्चाई है। आप जानते तो सब हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, यही हमारी प्रकृति है, लेकिन हमें प्रकृति को बदलना चाहिए। अब बात यह है कि क्या 1960 से पहले खेती नहीं होती थी जी? क्या 1960 से पहले लोग अन्न नहीं खाते थे? क्या 1960 से पहले आबादी की तुलना में, जितनी हमारी आज की आबादी है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा खेती होती थी? यदि हमारे देश में आबादी बढ़ी तो खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ा है जी। अब हम जिस बात को कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो क्या है कि आप बाजार में अपने सामग्री को बेचने जाते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चना हो या कुछ भी आपकी फसल हो जी। उसका मूल्य आपको एक बार ही मिलता है, एक बार ही मिलता है जी। आपके फसल आई गेहूं की तो आपने मंडी में जाके बेची, आपको एक बार मिलेगा जी। आपने वो पैसा लिया और पैसा लेकर के आप गए सबसे पहले बैंक में,
बैंक ने आपसे ब्याज ले लिया। अब ब्याज क्यों लगा था आपका? क्योंकि आपने बीज लेने के लिए, आपने खाद लेने के लिए, आपने डीजल लेने के लिए, आपने और संसाधनों को लेने के लिए वो लोन लिया उनसे जी। पहली चीज आपकी ब्याज लग गई। दूसरी चीज आपकी क्या लगी कि जिससे आपने गेहूं का बीज खरीदा वो बीज उसने बीज की सेल वैल्यू से, जो आपने गेहूं बेचा उसकी सेल वैल्यू से कम चार गुना या उससे अधिक की दाम पर आपको बेचा जी। आप नोट करिए किसान भाई कि आज से पहले, आज 20-25 साल से पहले आप कभी बाजार से बीज खरीदते थे क्या? आपका बीज ही, आपका घरेलू बीज ही आपके पास होता था जी। दूसरा, आप यूरिया खरीदते हो, डीएपी खरीदते हो, और आपको डर रहता है कि जो हमारे खेत में जो यूरिया हम डाल रहे हैं उसकी मात्रा कम रह गई तो हमारी उपज ज़्यादा नहीं होगी, तो आप उसके कारण से यूरिया ज़्यादा खरीदते हो। क्या अभी, क्या कभी यूरिया की कीमत आपने तय करी है? नहीं करी। विषय यहाँ पर है, आपको खरीदना पड़ रहा है। तीसरा विषय है, आप फर्टिलाइजर खरीद रहे हो। चौथा विषय है, आपने केमिकल्स खरीदे हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए। आप हर चीज खरीदते हो, और खरीदते कब हो? बार बार खरीदते हो। आज स्थिति यह है कि खरीदने का रेशो ऊपर, बेचने का रेशो नीचे। सबसे बड़ा कारण है कि हमारी आय कम है और हमारी लागत बहुत ज्यादा है। पर डॉक्टर साहब, ये खरीदने जाने की जरूरत पड़ी इसलिए वो खरीदने गए? आपने कहा कि 50-60 पहले हमें 50-60 साल पहले हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें, क्योंकि उस समय पर जो उत्पादकता थी वो सफिशियंट थी, वो पर्याप्त थी वहां की उस समय की जनसंख्या थी। अचानक से किसानों पर हमने या हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या ने एक अजीब सा बोझ अलग से डाला जिससे कि उससे उत्पादकता बढ़े, साथ ही साथ ही अब नया बोझ एक और डालने लगे हैं कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़े, तो ऐसे में किसान क्या करे? देखिए, ऐसा है कि वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक ऐसी चाल थी जिसमें भारत का जो एक सामान्य किसान है वो एक बंधक बन गया जी। आपको इस बात को अच्छी तरीके से समझना होगा, और ये हर किसान अच्छी तरह से जानता है कि हमारी भूमि को और हमारे शरीर को किसी भी सिंथेटिक प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर की संरचना बिल्कुल इस प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टिकोण से बनी हुई है। भूमि को क्या चाहिए? भूमि को वो वायरस, वो बैक्टीरिया चाहिए जो कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाएं, और वो किसके पास में है? वो सिर्फ और सिर्फ धरती के एकमात्र ऐसे प्राणी के पास में है जो जीव के समान है, जिसको गौ माता के नाम से जानते हैं। भारतीय नस्लीय गाय के अंदर सभी प्रकार के वो सारे वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं जो कि भूमि की उर्वरता को डेवलप करते हैं जी, बढ़ाते हैं। अब हमारे किसान को क्या आदत डाल दी गई कि आप गोबर के अंदर गाय को रखने की मेहनत क्यों करते हो? आप एक कट्टा लाओ और डालो और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। 1960 से 1966 के बीच में जब हमारे देश में महामारी का दौर हुआ, तब बड़े बड़े कंपनियों ने इसको व्यवसाय बनाया, ब्रिटिश कंपनियों ने इसको व्यवसाय बना दिया, और व्यवसाय बना करके भारत की राजनीति में अपना हस्तक्षेप करके किसानों को विदेशी, ये यूरिया को हम क्या जानते हैं? ये हमारी कोई चीज़ तो है नहीं। हमारा चीज़ क्या थी? गाय का गोबर। हमारी चीज़ थी गाय का गौमूत्र। हमारी चीज़ थी जितने भी खरपतवार है वो, और उन्हीं से हम खेती करते थे और नेचुरल फार्मिंग करते थे। और उसका परिणाम क्या होता था? उसका परिणाम ये होता था कि हमारा गाँव का किसान निरोगी रहता था। हमारा गायों की संख्या, जो हमारी गाय होती थी वो हमारे खेतों में चरती थी, और हमारे खेतों में प्राणवायु के एक प्राणवायु हर जगह पर बरसती रहती थी। आपको मैं एक सबसे बड़ा आपको वैज्ञानिक सच बताना चाहता हूँ कि ऐसा धरती पर कोई प्राणी नहीं है जो जीव के रूप में है गाय जैसा। गाय क्या करती है? ऑक्सीजन ही गाय लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अब आप किसान भाई ये देखिए कि ऐसा कोई आपने देखा जीव? और इससे बड़ा अमूल्य बात क्या है कि गाय का गोबर जब प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है तो उसके अंदर 22% प्राणवायु होती है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी एनर्जी, और उसके सूखने के बाद में जब उस गोबर सूख जाता है तो 45% में तब्दील हो जाती है। जब हम कंडे बना करके उसको जलाते हैं तो वो 55% में चली जाती है, और राख को हम दोबारा जलाते हैं और वो जो राख है
जब हम दोबारा जला करके अपने खेतों में डालते हैं तो वही 60% में प्राणवायु कन्वर्ट हो जाती है। आप बताइए ये दुनिया का कैसा सच्चाई है कि आपके पास में खाद है, आपके पास में यानी कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, तीनों चीजें आपके गाय के गोबर में हैं। जी हाँ, यही खास बात है कि जो हमारी थी, जो हमारी धरोहर थी, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, राष्ट्रीय धरोहर थी, उससे हम दूर हुए और आज उसी के लिए हम प्रशिक्षण लेने जाते हैं, ऑर्गेनिक खेती के लिए हम ट्रेनिंग लेने जाते हैं। अतुल जी, एक दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, बात करना चाहते हैं आपसे। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। दरअसल साहब, मैं जीरो बजट आध्यात्मिक खेती पिछले तीन साल से कर रहा हूँ। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? भनकपुरा है, तहसील टोडा भीम, जिला करौली। जी लेकिन अभी तक जो सहयोग किसी तरह का मिलना चाहिए, न तो यहाँ से किसानों का सहयोग मिलता है, न किसी तरह का कोई प्रोग्रेसिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो कुछ है ना, जैसे तुलसी की खेती, इस तरह का कुछ अगर डायरेक्शन मिले, कहीं परचेजिंग वाले मिले, तो इस तरह के कुछ प्रयोग और किए जा सकते हैं। जी देखिए अतुल जी, हमारा किसान तो प्रोग्रेसिव है, हमारा किसान तो एक्सपेरिमेंट करने में पीछे नहीं रहता है, परंतु समस्या उसके साथ यही आती है। अब देखिए, मैं आपके सामने बिंदुवार बात करता हूं। जी, और बहुत सारे किसान भाई इस बात को, इनके प्रश्नों को देखें और इनके प्रश्नों से अपने आप का हल निकालें। जी आदरणीय जो हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने कहा कि तुलसी की खेती ये करना चाहते हैं। तुलसी की खेती बहुत ही अच्छी खेती है और जीरो बजट है, बिल्कुल नाम मात्र का लागत है, नाम मात्र का। और जीवन में पहली बार इनको बीज खरीदना होगा और उसके बाद ये बीज बेचने के लायक होंगे, इनको बीज कभी खरीदना नहीं पड़ेगा। जी दूसरी बात, कम से कम 80,000 रुपया प्रति एकड़ का ये कमा सकते हैं। अब इनको क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज चाहिए कि ये किसको बेचें। जी केवल इनको एक बिक्री का केंद्र चाहिए। आप लाइन पर हैं अभी? जी वो सुन रहे हैं, अगर उन्होंने प्रश्न किया है तो वो टीवी पर सुन रहे हैं। अब इनको कहाँ बेचना है? सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि इनको बेचने के लिए मैं, एक जगह है नीमच मंडी, नीमच में मध्य प्रदेश में एक मंडी है। अब ये बोल रहे हैं कि ये टोडा भीम से बोल रहे हैं और टोडा भीम का व्यक्ति नीमच जाएगा तो बहुत दूर पड़ता है। तो इनके लिए जयपुर में कम से कम 100 दुकानदार हैं जो कि कुकरखेड़ा मंडी के अंदर हैं, जो कि चांदपोल मंडी के अंदर हैं, और यदि ये चाहें सीधा फैक्ट्रियों को मटेरियल देना तो फैक्ट्रियों से ये बाईबैक एग्रीमेंट कर सकते हैं जो सीतापुरा इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर हैं। तो हमारे परिचय में भी बहुत सारे जो है फैक्ट्रियां हैं जिनको तुलसी चाहिए। अब तुलसी एक अनमोल क्रॉप है, तुलसी दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन किसान को ये नहीं पता कि इसमें क्या मेडिसिनल तत्व हैं, और दूसरी बात किसान को ये नहीं पता कि ये क्या काम आ रहा है। जी एक व्यक्ति, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ इन किसान भाई को, कि एक व्यक्ति इजराइल से चल के भारत आया, जबकि होता क्या है कि अब तक भारत की सरकारों ने और राज्य की सरकारों ने ये दिखाया है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत को लेनी चाहिए। एक व्यक्ति भारत, इजराइल से चल के भारत आया, उसने भारत में देखा कि भारत की जमीनें पूरी खाली पड़ी हैं और किसान को कैसे भी हम कुछ भी करा सकते हैं। उसने तुलसी की खेती कराई, श्याम तुलसी और राम तुलसी की। आज एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम लेता हूं, पिछले 12 सालों में उस ब्रांड ने 80,000 करोड़ तक, 8,000 करोड़ तक का व्यापार कर लिया केवल तुलसी की टी। इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से वो ब्रांड है, इंटरनेट पे देख लीजिए, सब व्यक्ति जानता है उसको जो कि हर्बल टी पीता है। उसने तुलसी की चाय पिलाना चालू कर दिया और हजारों लाखों लोगों की बीमारियों को दूर कर दिया तुलसी से। अब आप सोचिए कि एक एकड़ में 80,000 की इनकम और लागत कितनी? 8,000 या 10,000 मात्र। जी हाँ बिल्कुल, तो इस प्रकार के अनेकों को। जी हाँ, ये तो अभी सिर्फ एक तुलसी की बात है, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और भी कई इस तरह की जानकारियां, कई इस तरह के पौधों के बारे में आज डॉक्टर साहब ने बताया। किसान भाई को कोई मदद चाहिए, आपके कॉल सेंटर में ये कॉल करें और ये सही नंबर आपके माध्यम से सही नंबर हम देंगे आपको, आप उनसे बात करें और ये आकर के मिलें कि किस तरह से खेती होती है और किस तरह से बिक्री होती है। जी हाँ, अगर आप 3 साल से कर ही रहे हैं कोशिश, तो एक प्रयास ये भी कीजिए, आप हमसे इस कार्यक्रम के बाद संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस जगह से आप इस तुलसी को बेच सकते हैं या कोई और खेती भी दूसरी कर सकते हैं।
जी हाँ, जो हमारे नियमित दर्शक हैं या जिन लोगों ने आज टीवी सेट को थोड़ा सा लेट ऑन किया है, उन लोगों को बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं जीरो बजट खेती के फार्मूले पर। अगर आप भी इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो 0141-451-5103 पर फोन करके सीधा हमसे और हमारे एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। सर मैं प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। जी मेरे को मूंगफली की खेती के बारे में जानकारी चाहिए थी। मूंगफली की खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी सर, कौन सा किस्म अच्छी रहती है? कौन सी किस्म अच्छी रहती है डॉक्टर साहब? देखिए, मूंगफली की जो आप खेती करना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया मूल्य जो आपको देना चाहिए वो देसी नस्ल की मूंगफली लेनी चाहिए, जिसका दाना छोटा होता है और मीठा होता है, जो थोड़ी सी लंबी होती है और जिसके अंदर जो है जब आप खोल के देखते हो तो बहुत मोटी नहीं निकलती है। इस प्रकार की जो मूंगफली है वो आपको समझ में नहीं आ रही होगी मेरी बात, क्योंकि मैं आपकी बात को बिल्कुल विपरीत बात कह रहा हूँ। और ये विपरीत बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैविक खेती की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड सीड की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो उस प्रकार की खेती की जो हमें सीधा ईश्वर ने दी है, सीधा ईश्वर ने जो बीज बनाया है। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, आपने जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स जिनको हाइब्रिड करके मोटा मोटा बनाया गया है और जिनकी तमाम प्रकार की नस्लें बना दी गई हैं, उन नस्लों के आधार पर किसान भाई क्या सोचता है कि हम इस प्रकार का बीज लगाएंगे तो हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा तो हमें मूल्य ज़्यादा मिलेगा। जबकि किसान भाइयों, मैं आपको आज की स्थिति बता देना चाहता हूँ, यूरिया डीएपी और सिंथेटिक फर्टिलाइजर से उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि आपने जो उत्पादन किया है उसका मूल्य आपको कम मिलेगा, क्योंकि वो क्या नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड युक्त है, केमिकल युक्त है। और दूसरा, मूंगफली खाने का आपका एक मकसद होता है, मूंगफली का ऑयल निकलता है, जबकि आपका जो नेचुरल जो सीड है, जो नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड सीड है, उसके ऑयल की मात्रा जब अच्छी होगी आपके यहाँ पर तो आपको मूल्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस बारे में ही हमारा आज का कार्यक्रम है, आप इसको पूरा धैर्य से सुनिए, उसके बाद में एंड में आप फिर दोबारा हमें एक प्रश्न करिएगा, जब आपको ये समझ में आएगी कि हमारी पूरी चर्चा का क्या महत्व है। जी एक और दर्शक हैं जो कि फोन लाइन पर मौजूद हैं, संपर्क करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं आपसे अपने प्रश्न के साथ। जी राम राम साहब। हेलो। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अजमेर जी। पूछिए, प्रश्न पूछिए। राम राम साहब। राम राम जी। राम राम। राम राम साहब जी बोलिए। मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ। आप पूछते रहिए, अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए और प्रश्न पूछते रहिए। हाँ सर, मैं आपसे एक एडवाइस, राम राम साहब, मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाह रहा हूँ कि मेरे को मतलब है जो सब्जी मंडी। अच्छा सर। जी हाँ, प्रश्न पूछिए आप लगातार प्रश्न। मुझे मुझे मतलब है जो खेती में इंटरेस्ट कम है और मतलब सब्जी मतलब बोने में ज्यादा इंटरेस्ट है। जी। और जैसे भिंडी है, करेला है, तोरू है, लौकी है। जी तो क्या करना चाहते हैं? हाँ? जानना क्या चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, वो शायद फोन टीवी की आवाज़ सुनके खेती करना चाहते हैं वो, और वो ये जानना चाहते हैं कि सब्जी की मैं खेती करूं तो उसमें क्या लाभ होगा, या तो ये प्रश्न हो सकता है इनका। हाँ। और या फिर ये प्रश्न हो सकता है कि सब्जी की खेती करने का समय क्या हो सकता है। तो देखिए ऐसा है कि सब्जी, या वो ये पूछना चाहते हैं कि परंपरागत खेती से मैं अगर मतलब जो गेहूं चना की खेती है उससे सब्जी पे आऊं तो क्या मैं आ सकता हूं? जैविक खेती, जैविक में सब्जियों का बड़ा मुख्य योगदान है जी। और सभी को आज की तारीख में सबसे ज्यादा बीमारियां यदि हैं तो सब्जी के माध्यम से ही हमारे शरीरों में आ रही हैं जी। तो आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स करेंगे, ऑर्गेनिक फ्रूट्स का कल्टीवेशन करेंगे जो कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में आराम से हो सकती हैं, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। एक बार आप दोबारा से जब इस कार्यक्रम का अंतिम समापन का समय हो तो प्रश्न जरूर करिएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि सब्जी उगाने का तरीका क्या होना चाहिए, खेत को तैयार कैसे करेंगे।
वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मैं वापस उसी प्रश्न पे आता हूँ डॉक्टर साहब, जहां से हमने शुरू किया था। आपने कहा कि जीरो बजट फॉर्मूला है, पहले हम लोगों को कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो क्या एक बार दोबारा से वो स्थिति हो सकती है कि हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत ना पड़े? या इस तरह किसान, जिन्होंने भी एक दर्शक ने फोन किया कि मैं 3 साल से परेशान हो रहा हूं पर मुझे उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला, उतना मुझे फायदा नहीं मिला, कहां से शुरू करे किसान? सभी किसान भाई सबसे पहले एक कागज पेन ले लें और अपने पास में नोट करते जाएं, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी गलती हम सब ज्यादातर करते हैं, सुनते हैं और भूल जाते हैं। जी हाँ, तो कागज पेन लेकर के नोट करें और किस तरह से हमको ये कार्य करना चाहिए उसको समझने का प्रयास करें। मैं पहली बात कहना चाहूँगा कि किसान कैसे आर्थिक उन्नत बन सकता है। उसका सबसे बड़ा हथियार उस किसान के पास खुद है, और वो हथियार क्या है, उस किसान के पास में जो गाय है, जो इंडियन ब्रीड की गाय है, भारतीय नस्ल की गाय है, वो उसकी खेती और उसको एक आर्थिक मजबूत बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। गाय यदि आपके पास है तो ये मान के चलिए कि आप 1 गाय से 5 एकड़ भूमि में खेती कर सकते हैं, और 5 एकड़ भूमि में 1 रुपये का भी सामान आपको कहीं से भी लाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इस समय मई में, हम मई में बैठे हुए हैं, आपके पास गाय है, आपके पास गाय का गोबर निकलता है। बहुत सारे किसान सोचते होंगे कि मैं 1 गाय से कितनी सारी जमीन को कैसे खेती कर पाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल यही प्रश्न आ रहा है। तो मैं आपको उत्तर के रूप में बताता हूं कि गाय का गोबर यदि अपने पास नहीं है, गाय का गोबर तो पहले हमें डालना ही नहीं है, क्योंकि गाय के गोबर या भैंस के गोबर में तो दीमक होती है जी। अब हम जीरो बजट फार्मिंग कैसे करेंगे, ये एक तरीका। सबसे पहला हमारा पहला इंग्रेडिएंट का नाम नोट करिए, गौमूत्र। आपकी गाय 2 वक्त तो कम से कम गौमूत्र देती ही देती होगी जी, जो कि सुबह उठते ही 4 बजे और 1 शाम के टाइम का गौमूत्र आपको मिल जाए, 4-5 बजे के आसपास का। दूसरा, आपके पास में 1 गाय 10 किलो गोबर प्रतिदिन देती है जी, तो आप 10 किलो गोबर से 100 किलो पानी तैयार कर सकते हैं, यानी गोबर का रस तैयार करना है, ना कि गोबर को डालना है आपको खेत में जी। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे हम 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं, हमें 10 लीटर ही गौमूत्र मिल रहा है और 90 लीटर गोबर का रस मिल रहा है जी। अब इन दोनों को मिश्रित कर दिया हमने। तीसरा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज होती है, जो नीम के पत्ते पेड़ होते हैं, नीम के पत्तों का रस निकाल करके हमें उस मिश्रण घोल में डालना है जी। चौथा, हमारे पास में जो गुड़ उपयोग होता है, सड़ा हुआ गुड़ या बेसन या चना, इसका मिश्रण करना है जी। पांचवा हमारा प्रोडक्ट है इसी के अंतर्गत छाछ, छठा है गाय की छाछ और गाय का देसी घी, जो नीचे गाय के जो है बिल्कुल नीचे के स्तर पे बिल्कुल खराब, जिसको आप खाने के योग्य नहीं ले सकते जी। इन सब मिश्रण का यही आपके इंग्रेडिएंट हैं, और इन्हीं चीजों से आप बहुत अच्छी तो सबसे पहले जमीन को कर सकते हो जी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार सर मैं आपकी इजाजत से रोकना चाहूंगा बीच में, इसको कंटिन्यू करेंगे, एक दर्शक और है उन्हें भी साथ लेते चलते हैं, हो सकता है उनका सवाल भी इससे संबंधित हो जी। राम राम साहब। राम राम सर जी। मेरा सवाल ये कि मैं यहाँ से कोटा से बोल रहा हूँ जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जो ये औषधीय खेती होती है जी, उसमें सरकार की तरफ से क्या कोई सहायता मिलती है क्या? जी हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार आपने पूछा। अतुल जी, औषधीय खेती के लिए सरकार की तरफ से एक बोर्ड का निर्माण किया गया है, जिस बोर्ड का नाम है राजस्थान मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। आप राजस्थान से हैं इसलिए आपको राजस्थान की बात कर रहे हैं। इसका ऑफिस है आयुष भवन प्रताप नगर जयपुर में जी। इसके अभी इस समय सदस्य सचिव हैं गिरिराज मंगल जी, और मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन करने के लिए और कलेक्टिव फार्मिंग के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन करने के लिए इमीडिएटली फंड वो दे रहे हैं, यानी सहयोग दे रहे हैं। तो आप तुरंत उनसे मिलें और अपनी बात कहें, जो जो मेडिसिनल प्लांट्स आप लगाना चाहते हैं उनके लिए वो बताएं, उनके पास जो अनुदान की राशि भी है वो आपको बताएंगे, और हो सकता है कि वो आपको मई जून में पैसा भी रिलीज कर दें जी। अब आते हैं सर वापस अपने विषय पर, हम लोग खेत में थे और हमने मिश्रण तैयार कर लिया था। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक व्यवहारिक बात जी। अभी तक तो हमने मिश्रण की बात करी जी।
अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप बीमार हैं क्या? यानी कि मैंने एक प्रश्न किया कि आप सभी यानी हम सब लोग स्वस्थ हैं कि बीमार हैं जी? आप बताइए, स्वस्थ हैं या गलत? बीमार हैं, डॉक्टर बताएंगे? नहीं जी, FSSAI की एक रिपोर्ट है, जब फूड सिक्योरिटी कंट्रोल एक्ट ऑफ इंडिया जब बना तो एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की और उसने कहा कि आप सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की बात करना चाहते हैं यानी क्वालिटी फूड की बात करना चाहते हैं, क्या भारत में बिकने वाला जो फूड है वो क्वालिटी है क्या? पहला प्रश्न जी। दूसरा उसका प्रश्न था कि जो अब तक खाया है वो क्या इतना बढ़िया है या इतना घटिया है कि मतलब कैसा है पता नहीं है जी। और तीसरा, यदि आपने बढ़िया फूड ला दिया क्योंकि सिक्योरिटी ला दी और फिर वो हम पाचन तंत्र में पचा नहीं पाए तो क्या होगा? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि 20,000 लोगों के शरीर की जांच करो और 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स का जो फूड होता है, पैक फूड होता है, या मंडियों के अंदर जो जीन्स आते हैं या किसानों के अंदर जीन्स आते हैं, इन सब के कलेक्ट करिए सैंपल और उनकी लैब रिपोर्ट लेके आइए। करीबन 3-4 साल में एक फैक्ट आया और FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराया और उसमें ये निकला कि मानव शरीर के अंदर डॉक्टर रिकमेंडेशन से 750 गुना केमिकल की मात्रा है। अब आप सोचिए कि हमारे शरीर में हम स्वस्थ शरीर दिख रहा है जी हाँ, लेकिन 750 गुना केमिकल है डॉक्टर रिकमेंडेशन से, यानी प्रकृति से, प्रकृति के विरोध में 750 गुना केमिकल है। और वो केमिकल का मुख्य सोर्स क्या है ये जब उनको बताया कोर्ट के जज ने पूछा कि हमारा दिन प्रतिदिन जो हम फूड खा रहे हैं जिसमें कि जो मदर प्लेस से निकला हुआ फूड है, मदर प्लेस यानी खेत जी, और तीसरा क्या कारण बताया, हमारे शरीर में आज की तारीख में सबसे ज्यादा यदि पाए जाने वाले तत्वों में से तत्व क्या है, लेड और हैवी मेटल, यानी कि ऐसे तत्व जो हमें पानी से मिलते हैं जी। किसान भाइयों, में आप दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हो, किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है, आपको सब कुछ पता है। हम जो दिन प्रतिदिन अपने खेतों में बार बार यूरिया, DAP, सिंथेटिक फर्टिलाइजर डालते हैं, हम पानी, पहले हमारे यहाँ 40 मीटर में पानी था, अब फिर 80 में हुआ, 80 से 200 में हुआ, 200 से 1000 तक हो गया, हम क्या कर रहे हैं? 40 फीट के बाद में पत्थर आता है, हम पत्थर के काट काट के पत्थरीला पानी अपने जमीनों में डालते हैं और उस पानी के अंदर जो पत्थर के कण होते हैं वो हमारी भूमि में जाते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती है यानी कि मदर जर्मिनेशन कैपेसिटीज कम होती हैं, साथ में भूमि से जब बीज में कन्वर्ट होता है कोई भी उत्पादन तो वो सारा की सारा हमें वापस हमारे शरीर में आता है और उसके हिस्सेदार आप भी बनते हैं, हम भी बनते हैं। और ये आज भारत देश की स्थिति ये है कि 100 में से 10 लोग कैंसर के पीड़ित हैं जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो सब्जेक्ट है आज का वो इसी विषय में है कि अगर ये ना करे तो फिर किसान क्या करे। जी हाँ, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस आधुनिक चौपाल में, आपके इस लोकप्रिय कार्यक्रम में जिसमें आप लोग फोन करके सीधे एक्सपर्ट से संवाद करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रेक से वापस हम लौटे हैं एक दर्शक के साथ जो कि इस समय हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब, बाप जी। जी बाप जी, बापू बोलू जोधपुर। बहुत बहुत आभार आपको, आप फोन करया। बाप जी, औषधि पौधा जो खेती करे का हिसाब से करो जाए, शुरू खटाऊ करो जाए, शुरू खटाऊ करो जाए। डॉक्टर साहब, सीधा सीधा प्रश्न ये है कि अगर औषधि खेत पादपों की खेती करनी है तो कहाँ से शुरू करें? सस्ती क्रॉप से शुरू करिए, जैसे तुलसी की खेती है, अश्वगंधा की खेती है, इस तरह की खेतियों से शुरू करिए जिसमें कि लागत आपकी 5,000 से 10,000 के बीच में आए, क्योंकि अश्वगंधा की खेती आपके जोधपुर क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है और 1 एकड़ में मात्र 6 किलो बीज चाहिए, 3600 रुपये का बीज आएगा आपका और 1 एकड़ से अप्रोक्सीमेट 500 किलो कंद आपकी निकलती है जो कि 150 रुपये किलो का जिनका बाजार भाव है। और कौन सी खेती इसके साथ इसके की जा सकती है? नहीं, अश्वगंधा के साथ में कोई दूसरी नहीं कर सकते, लेकिन अश्वगंधा के साथ बाद अश्वगंधा एक क्रॉप हो गई। हाँ हाँ। दूसरी आप तुलसी की खेती कर सकते हैं, तुलसी की खेती से अप्रोक्सीमेट 80,000 रुपया आप कमा सकते हैं मात्र 5 महीने में।
छह महीने में। एक तीसरी क्रॉप, हाँ, जी एक जी, हाँ, जी, प्लीज तीसरी है मोरिंगा की खेती, आप कर सकते हो। मोरिंगा की खेती में 2 लाख रुपए सालाना तक कमाई हो सकती है और उसके अंदर जो लागत है वो भी बहुत ही कम है, 10 से 12 हजार रुपए में आप ये खेती कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपने बताया औषधीय खेती, क्योंकि बीच में प्रश्न आ गया उस पर। वापस हम चलते हैं अपनी उसी बात पर कि हमने जीरो बजट खेती पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने मिश्रण तैयार कर लिया था, उसके बाद खेत को तैयार करने की बात हो रही थी। मैं बात करना पहले मैंने हाईलाइट की थी बात कि भाई आप बीमार हैं क्या? जी हाँ। तो बात ये निकल के आई कि 100 में से 10 लोग कैंसर से बीमार हैं। जी। बात निकल के आई कि 100 में से लगभग 50 लोगों को डायबिटीज है, फिर ब्लड प्रेशर है, फिर घुटनों की समस्या है। जी हाँ, आप ये कहना चाहते हैं केमिकल इतना भरा हुआ है कि कोई आज बीमार नजर नहीं आ रहा तो कल नजर आएगा, नहीं तो परसों नजर आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो मानव शरीर के अंदर बीमारी है ये कहां से आई है? जी, जमीन से आई है। तो बीमार कौन हुआ? जमीन। बीमार हुई जमीन। जी हाँ। इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को ही मैं बार बार अपने हर कार्यक्रम में हाईलाइट कर रहा हूं कि मनुष्य बीमार नहीं है। मनुष्य तो जो जैसा खाएगा वैसा उसके शरीर में बदलाव हो जाएंगे, या जैसा मिलेगा वैसा ही खाएगा, जैसा मिलेगा वैसा खाएगा। हाँ। तो आज की जो समस्या है वो समस्या का समाधान ही हमारी जैविक खेती है और जीरो बजट फार्मिंग है। जी हाँ। और हमारा समाधान है गाय, भारतीय गाय। मैं ये बात इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैंने आपको क्या चाहिए खेती करने के लिए? नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, ये 3 चीज़ें आपके लिए मुख्य आवश्यक वस्तुएं हैं। और ये तीनों की तीनों का सेंटर कौन है? गाय। जी। अभी पूरे देश भर में किस तरह से खेती होती है, यदि कोई व्यक्ति गेहूं कर रहा है तो गेहूं ही करता है। जी हाँ। और गेहूं के साथ कोई दूसरी क्रॉप नहीं करता है, यानी कि उसकी इनकम किस पर डिपेंड हो गई? गेहूं के ऊपर। हम जो खेती करना चाहते हैं वो एक साथ 5 फसलों की खेती करना चाहते हैं जीरो बजट में। जी। और जीरो बजट कैसे होगा? गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर और गोबर के रस और नीम की पत्तियां, छाछ, दूध, दही, इनका मिश्रण से। एक दर्शक है इस समय, एक और बात करना चाहते हैं आपसे। जी राम राम सर। राम राम सर। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सफेद मूसली खेती है वो हिंडन सिटी में कर सकते हैं? सफेद मूसली? जी हाँ, राजस्थान में क्या सफेद मूसली की जा सकती है? सफेद मूसली राजस्थान में बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। हिंडौन से बोल रहे हैं ये? नहीं, ये हिंडौन से बोल रहे हैं। जी, हिंडौन में सफेद मूसली हो सकती है, पहला बात। लेकिन सफेद मूसली करने के बहुत सारे नियम हैं। सबसे पहला नियम ये है कि सफेद मूसली के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि सफेद मूसली की खेती जो है जमीन के अंदर होती है, तो इसके लिए दीमक से आपको जमीन को बचाना होगा, जमीन को तैयार करना होगा। जमीन को कैसे तैयार करेंगे वो अभी हम बता रहे हैं इस कार्यक्रम में। लैंड सुधार का ही हमारी बातचीत चल रही है। और सफेद मूसली की खेती यदि करके आप सफल हो जाते हैं तो आप ये मानिए कि 8 महीने में आपकी, जून में बुवाई होगी, जनवरी में उसको निकाल लेंगे, 5 लाख रुपया साल की इनकम 8 महीने में 5 लाख पर एकड़ का आप कमा सकते हैं। जी हाँ, लोग आपको देखकर सीधा औषधि पादपों की बात कर रहे हैं। एक और दर्शक है जो आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है समय बहुत कम पड़ने वाला है आज। जी राम राम सा। हेलो। जी सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी राम राम साहब। जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर ये हमारे छिपे जाती है खेत के अंदर, क्या हो जाती है? छिपे जाती है सर, नमक जैसे फूट जाती है खेत के अंदर। अच्छा 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 जी, तो उसके लिए जो हम भी अभी हमने इलाज बता रहे हैं इसको आप याद कर नोट करिएगा और नोट करके अपने खेत में डालिएगा। हाँ जी बोल। जी बताइए। जो हम इलाज बताएंगे ना उसको जो पहले समझिएगा उसके बाद डालते रहिएगा। जी ठीक है ना। जी अतुल जी बताइए, क्योंकि समय बहुत कम होता जा रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप संक्षेप में इसको बताते जाएं, क्योंकि जो मेन चीज है वो देखिए ऐसा है। सबसे पहले आप अपने किसान भाइयों को ये कहिए कि ये जो कार्यक्रम है ये संपूर्ण कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए आप हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जितनी भी बातें अभी पता लग रही हैं वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की बातें हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपको चाहते हुए भी नहीं बता पा रहा हूँ समय का अभाव होने के कारण से। लेकिन आप मुझसे बात करिएगा, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, अन्यथा आप जयपुर में आकर के हमसे मिल सकते हैं, हम आपको पूरी मदद करेंगे। आप, हमने कहा कि यदि गठिया है तो जमीन को है, डायबिटीज है तो जमीन को है, इसका समाधान कैसे होगा? गौमूत्र, गाय का गोबर और जो भी हमने सामग्री बताई इससे होगा। जी। जमीन को तैयार करने की विधि आपको समझनी होगी, लैंड डेवलपमेंट करने की विधि आपको समझनी होगी, जो कि इन्हीं चीजों के माध्यम से होगी। जी। अच्छा, अब पॉइंट ये है
कि एक साथ हम पांच प्रकार की खेती करें जी। जैसे सपोज दैट हमने बात करी मोरिंगा की खेती, एक मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है जो को जिसको सहजन बोलते हैं, ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे उसको मूंगा भी बोलते हैं। उसका जो पत्तियां होती हैं उसमें प्रोटीन और एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी के कारण से उसको अमेरिका और यूरोप जैसे देश सुपर फूड के नाम से जानते हैं जी। किसान भाई को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें वो खेती करें जिससे कि हमारे जमीन का सुधार हो और साथ में हमारी इनकम गेहूं चना सरसों से कम 5 गुना ज़्यादा हो जी। एक बात, अब इस मूंगा की खेती यानी कि सहजन की खेती के साथ में हम सफेद मूसली की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि सफेद मूसली की खेती मेड पे होगी और मूंगा की खेती जो है आपका 2 फिट बाई 2 फिट या 2 फिट बाई 4 फिट ये 2 डिस्टेंस पे हो सकती है जी। अब इनके बीच में हम लेमन ग्रास की कल्टीवेशन कर सकते हैं जी। या एलोवेरा की कल्टीवेशन कर सकते हैं। और जब सफेद मूसली को जनवरी में हटाने का समय आए तो स्टीविया यानी कि जो है स्वीटनर जो होता है आपका जो रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर है स्टीविया, आप उसकी खेती कर सकते हैं। मीठी तुलसी जैसे मीठी तुलसी की खेती कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति यदि मीठी तुलसी की खेती नहीं कर पा रहा है तो वो अश्वगंधा की खेती कर ले, और अश्वगंधा की खेती नहीं कर पा रहा है तो वो तुलसी की खेती कर ले, और तुलसी की भी खेती नहीं कर पा रहा है तो वो सतावर नेपाली सतावर की खेती कर ले। अब चौथा बात यह है कि हर किसान को अपने खेत में 15 फिट बाई 15 फिट या 12 फिट बाई 12 फिट पर कोई ऐसे पेड़ जरूर लगाने चाहिए जो कि उसको ट्री का काम कर दे। जैसे कि बहुत सारे किसान केले की खेती करते हैं, हमारे यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंवले की खेती की जाती है। अब आंवले से किसान ये नहीं सोचे कि आंवला मुझे इनकम देगा, आंवला मुझे देगा कि हमारे जो पर्यावरण है उसको पर्यावरण में जो कीट आते हैं उनको सुरक्षा देने का काम करेगा, क्योंकि हम जब खेत में गौकाष्ट का यानी कि गाय के गोबर के जो है कंडों का या लकड़ी का जब यज्ञ करेंगे तो उससे जितना भी प्रदूषण है, जितने भी पेस्ट हैं, जितने भी कीड़े हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। हमारी जो ये खेती है वो वैदिक नीति के आधार पर है, जिसको कि महर्षि चरक जिन्होंने आयुर्वेद की संरचना की थी आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब कोई केमिकल जो लैब नहीं होती थी उस जमाने में उन्होंने आयुर्वेद को बता दिया, इस जमाने में पौधों के बारे में बता दिया, उनके गुणों के बारे में बता दिया और मानव में उसके परिवर्तनों के बारे में बता दिया, उस सिद्धांत पर ये खेती हम आगे बढ़ा रहे हैं जी। एक और दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर मौजूद हैं जी। राम राम साहब। राम राम साहब जी। राम राम साहब जी। सर एक मैं सवाल पूछना चाह रहा था जी, पूछिए। आंवला के पेड़ों के बीच बीच में ये कौन से फसल लगा सकते हैं जो उसी कंपनी को सप्लाई की जा सकती है? जी हाँ, मतलब जो जिसको आप आंवला सप्लाई कर रहे हैं उसी को वो... हाँ जी, हाँ जी जी। देखो आंवला सप्लाई करने वाले व्यक्ति को एलोवेरा चाहिए जी, और एलोवेरा के साथ यदि एलोवेरा नहीं करना चाहते तो सतावर कर सकते हैं, अश्वगंधा कर सकते हैं, स्टीविया कर सकते हैं, सफेद मूसली कर सकते हैं जी। जो पौधे की हाइट जो है 2 से 3 फीट तक रहे वो कोई भी क्रॉप कर सकते हैं। आजकल एक बढ़िया क्रॉप चल रही है जिसका नाम है चिया सीड। चिया सीड भी जैसे कि मोरिंगा है उसी तरीके से कॉमर्शियल जो है एक क्रॉप है जो कि खरपतवार की तरह दिखती है, और उसका जो बीज है वो 300 रुपए किलो का उसका भाव है। यदि आप किसी के साथ बायबैक करते हो ऐसी हर्बल कंपनी के साथ में जो लगभग आपको 200 रुपए तो कम से कम दे ही देगी, यदि आपको मदद चाहिए तो आप हमसे आफ्टर दिस प्रोग्राम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। अब आ जाते हैं वापस अपने फिर विषय पर जो आप बीच में अधूरा छोड़ चुके थे जी। हमारा विषय है कल्टीवेशन जिस पे हम ऑलरेडी हैं। किसान को दो चीजें आगे बढ़ा सकती हैं जीरो बजट फार्मिंग, बीज से खेती करे, नंबर वन बीज से खेती करे। मैं किसान भाइयों को ये कहता हूं कि एक तो गाय हो गई जी, और गाय की ये सामग्री हो गई जो हमने बताई, आप बाजार से कुछ लाए क्या? कुछ नहीं लेके आए। नंबर दूसरा आपको एनपीके ही चाहिए, एनपीके यहाँ पर है, यदि आपको समझनी है कि एनपीके कैसे होता है तो आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको पूरी ट्रेनिंग दे देंगे जी। दूसरा आप कभी पौध मत खरीदिए, पेड़ मत खरीदिए, आप जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो आप भगवान के द्वारा तैयार किए गए बीजों का संग्रह करिए, जिससे कि आप कितना भी बीज बना सकते हैं।
आप जो बीज बाजार से खरीदते हैं वो बाजार से बीजों को लेना बंद करिए और पौध लेना बंद करिए, क्योंकि पौध बाजार से खरीदते हैं बहुत महंगी आती है। हम कोई भी थैली बीज की खरीदते हैं बहुत महंगी आती है। हमें एक बार शुरुआती तौर पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि यदि हमें गेहूं खरीदना है तो बंसी गेहूं हम कहां से मिल सकता है, कि बंसी गेहूं बहुत पुराना पड़ जाती है, कम से कम 700 साल पुरानी जो है नस्ल है ये, जो कि भगवान के द्वारा पैदा हुई, तो उसको हम कहीं से भी इकट्ठा करके लेके आए सोच समझ करके। इसी तरह से हम अश्वगंधा के बीज जो है नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड लेके आए, हम बीज लाएंगे सस्ते होंगे और ये बीज की जो लाइफ होती है, जो नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड जो सीड हैं इनकी मिनिमम प्रोडक्शन क्वालिटी लाइफ 5 साल होती है। एक बीज से 5 साल हम खेती कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप आज लाखों रुपया खेती में लगा रहे हो, कल यदि हम अपने ही बीज होंगे, हमें कभी बीज नहीं खरीदना पड़ेगा, तो हमें सोचो कि हमें सिर्फ इनकम होगी, आउटपुट तो केवल आएगा ही आएगा, मतलब इनकम तो आएगी आएगी और लागत कुछ नहीं होगी। जी हाँ, एक और दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर मौजूद है, बात करना चाहते हैं आपसे, संपर्क करना चाहते हैं। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? लगता है आपने टीवी के वॉल्यूम को बढ़ाया हुआ है, इसलिए आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है फोन के माध्यम से। जी अतुल जी, कंटिन्यू कीजिए। जीरो बजट का मतलब क्या हुआ? जीरो बजट का मतलब हुआ खाद का खर्चा नहीं। जी, जीरो बजट का मतलब हुआ बीज का खर्चा नहीं। जी, आपका खाद और बीज बच गया। अब तीसरी चीज होती है लेबर। जी हाँ, हम सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं किसमें? खेती करते हैं तो निराई गुड़ाई, ट्रैक्टर का खर्चा, इसके बाद में हमारा सबसे बड़ा खर्चा होता है किसी भी फसल की खरपतवार को निकालने में, अनवांटेड ग्रास को निकालने में हम बहुत ज्यादा लेबर लगाते हैं। जी, हमें क्या करना चाहिए? कभी किसान भाई आपने ये सोचा कि जो खरपतवार हो रही है वो है क्या चीज, उसका उपयोग क्या है? कहीं वो इतनी कीमती चीज तो नहीं है कि आपकी जो फसल आप जो उगा रहे हो उसकी कीमत तो कम है और खरपतवार की कीमत ज्यादा है? कभी आपने इस बात का विचार किया? मेरा ये सुझाव है, आज की तारीख में आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं जी, और उससे कहें कि आप इस मटेरियल की जांच रिपोर्ट दीजिए जी, उसमें क्या चीज है जो आपके बार बार में उग करके बाहर आ जाती है। आपको मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, और वो भी मैंने बहुत लंबा गहरा शोध किया है उसके आधार पर, जो ये खरपतवार है वो एक जमाने में हमारे खाने का फूड हुआ करती थी जी, और वो इतना बड़ा फूड हुआ करती थी कि हम बार बार उसी की खेती करते थे, और वो जो है हमारी जो जमीन के अंदर एक जो बीज है वो जमीन का एक हिस्सा बन गया जी। तो आपको क्या करना चाहिए? उस खरपतवार की वैल्यू को समझना चाहिए। क्या वो खरपतवार इतनी बड़ी औषधि तो नहीं है? उसी खरपतवार को डीकंपोस्टिंग करके अपनी खाद में मिक्स करके हम एक बहुत बड़ा अपनी जमीन का सुधार उसे पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर दूसरा प्रश्न, डॉक्टर साहब एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है इस समय फोन पे बात करना चाहते हैं आपसे। जी राम राम साहब। राम राम जी। जी प्रश्न पूछिए। खीरा के अलावा और कौन सी सब्जी या औषधीय पौधे ले सकते हैं? शेड नेट में खीरे के अलावा क्या लगाया जा सकता है? जी, खीरा आप कौन सी नस्ल का करते हैं, कैसा खीरा करते हैं? खीरा सर, जी सरसों का बीज था कोई? जो ये खीरा करते हैं ये देसी करते हैं या हाइब्रिड करते हैं, मेरा प्रश्न ये है। ये सर खीरा हाइब्रिड था। हाइब्रिड है, पॉली हाउस है या केवल स्टार आरजेड कौन खीरा है वो सर? है जी, हाइब्रिड है जी। और ये पॉली हाउस है, यानी कि पूरा की पूरा पैक हाउस है? शेड नेट है सर। अच्छा, 75% का शेड नेट है या कितना है? 75% का। ठीक है, देखिए आप इसमें खीरा जो है, खीरे में बहुत ज्यादा बीमारियां लगती हैं जी, और बीमारियों कारण से किसान जो है
सफलता की जगह असफलता के एक दृष्टिकोण में चला जाता है, क्योंकि खीरे का बीज भी बहुत महंगा खरीदते हैं, उसकी दवाइयां भी बहुत महंगी आती हैं, इतना महंगा शेड नेट लगाते हैं किसान, फिर उस पर पूरा एक लेबर लगाते हैं, स्टाफ लगाते हैं, बड़ा परेशान हो जाता है। इसी को हम कम कीमत की वस्तु बना देते हैं। शेड नेट में यदि आप स्टीविया का कल्टीवेशन करें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और उसका जो उत्पादन है वो कम से कम 1.5 से 2 गुना ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा जी। और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का 150 रुपया किलो, यानी कि स्वीटनर आपका जो है वो 150 रुपया किलो तो कम से कम सूखी पत्ती जाएंगी ही जाएंगी जी। और इसकी पत्तियां जो है हर 40 दिन में आपकी कटिंग हो जाएगी, तो इनकम भी हर 40 दिन में आती रहेगी, जैसे कि आपको खीरा से मिलने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अब मेडिसिनल प्लांट शेड नेट में मेरा एक सुझाव है, यदि आप काफी समय से खेती कर रहे हैं तो एक आप... बार और रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, लोग आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, काफी देर से डायल कर रहे हैं। जी राम राम साहब। राम राम जी। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने घर में एक दो पौध लगा रखी है जी, जैसे खेजड़ी की छोटी पौध है और एक टाली की है जी, तो इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ के लिए सर कोई विकल्प बताइए जी। ग्रोथ के लिए विकल्प बताइए, समय बहुत कम बचा है। आप कुछ नहीं करिए, आप एक काम करिए, गाय के गोबर का रस लीजिए, एक किलो गोबर लीजिए, एक किलो गोबर में 10 लीटर पानी में उसको डालिए और छान लीजिए, और उसमें 1 लीटर गौमूत्र डालिए, 100 ग्राम गुड़ डालिए, 50 ग्राम बेसन डालिए, और इसके अंदर करीबन 2 लीटर छाछ डालिए, खट्टी छाछ डालिए, पुरानी खट्टी छाछ डालिए, और इसको मिक्स करिए, इसमें 1 लहसुन पूरा की पूरा 1 लहसुन का रस डाल दीजिए और 1 प्याज का रस डाल दीजिए, आपको मिक्स करके ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को आप करीबन 2 दिन में जड़ों में डालते रहिए, हर 2 दिन में थोड़े थोड़े जड़ों में डालते रहिए, उसके बाद पानी पिलाते रहिए, आपका 7 से 10 दिन में ये पौधा जबरदस्त तरीके से बाहर आ जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ा छिड़काव करते रहिए, ज्यादा मत डालना और कम भी मत डालना, नॉर्मल जितना पौधे का साइज हो उस हिसाब से डालते हैं। एक और दर्शक है जो इनके साथ ही है, बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हेलो जी, प्रश्न पूछिए। हाँ, हम उड़ीसा से बोल रहे थे, अच्युतानंद मल जी, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ नहीं, वो आपके तो आभारी व्यक्त करूंगा पहले से जी, जो हम तो उड़ीसा से हैं, फिर भी हमारे जो थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जी। नहीं, हम समझ पा रहे हैं, आप पूछिए। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर जो है वो जो जैविक खेती के लिए जो हम लोग जो कोई अगर शुरू करेगा तो जी किस बात का ध्यान देना चाहिए जी? अतुल जी, जैविक खेती के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको केमिकल यूज नहीं करना है, यूरिया यूज नहीं करना है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है, अपने खेत की जो व्यवस्था इस तरीके से बनानी है कि दूसरे का केमिकल अपने खेत में नहीं आए, और आपने जो खेत में अपने जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट डाले हैं वो कंपोनेंट सॉइल इरोजन यानी कि बारिश में बहने नहीं जाने चाहिए, सबसे पहला काम ये करना है। जमीन को का पीएच चेक करना है, पानी का पीएच चेक करना है, ऑर्गेनिक कंडक्टिविटी को चेक करना है, मटेरियल ये जो भी आप रेगुलर यूज करेंगे डालने में उन सब को डालने की विधि आपको समझनी चाहिए, क्रॉप ऐसी करनी चाहिए जिससे कि आपके जो क्रॉप के अंदर ही इतने ऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए, नाइट्रोजन खुद होना चाहिए जो कि आपकी ज़मीन को सपोर्ट करें जी। सबसे पहला आपको ये काम करना है, यानी कि ऐसी क्रॉप नहीं लगानी है जो कि आपके सॉइल को उत्सर्जन करे बल्कि सॉइल में डिवोजन करे, ऐसी क्रॉप्स आपको लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, समय की सीमा है, उसके हम बंधे हुए हैं, अंतिम बात जो आप कहना चाहें अपने किसान भाइयों को, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन एक दिन में कवर नहीं हो सकता, एक घंटे में कवर नहीं हो सकता जी। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा जी, हमें खुद को मजबूत बनना होगा, हमें खुद को ताकतवर बनना होगा, हमें उस शायरी को याद करना होगा, खुद को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है जी। क्या आप अन्नदाता हैं, आप देश के निर्माण करने वाले हैं, आज देश बहुत ज्यादा पीड़ित है, आज हम सब लोग ज्यादातर हम सबके रिश्तेदार हॉस्पिटल्स में होते हैं, कैंसर पता लगता है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हम
कमाने जाते हैं सोच करके कि हम कमा रहे हैं तो खाएंगे अच्छा, लेकिन हम जाते तो कमाने हैं लेकिन खाते क्या हैं, हम जहर की थाली में जहर को खाते हैं। आप सबके पास में आपके आप ही सब कुछ हैं। ये भारत सरकार, ये राज्य सरकार, ये दुनिया की सरकार एक दिन समझेगी कि हमें किसान को ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिए जिससे कि हम सुरक्षित हो सकें, भारत का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपके पास भारत का भविष्य सुरक्षा करने का दायित्व है, आप अपने दायित्व को पहचानें। यूरिया, डीएपी और केमिकल खेती को बंद करें, उसके लिए समाधान यही है। गाय गाय जहां पर भी आपको लगता है कि ये गाय प्लास्टिक खा रही है, आप उसको लेके आइए, आप उसको खाना खिलाइए और उसके गाय के गोबर से और उसके गौमूत्र से आप खेती करिए। हमारे देश में गाय का मान बढ़ेगा, गाय का सम्मान बढ़ेगा और मनुष्य निरोगी होगा। आप ही सब कुछ हैं, कृपया आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। ये एक सामाजिक सरोकार नहीं, ये देश को बचाने का सरोकार है, ये देश की उन पीढ़ियों को बचाने का सरोकार है जो हमारे अभी तक आई भी नहीं है। जी डॉक्टर, केवल आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप यहाँ पधारे, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमारे किसान भाइयों से, आपने बताया कि किस प्रकार से देशी चीजें ज्यादा जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा लाभदायक है हमारे लिए। हम विदेश की दौड़ में ना भागे, पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में ना भागे। और हाँ, आम आदमियों से भी मेरा एक निवेदन है, किसान भाई जब जैविक खेती के उत्पाद लेकर आए तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें खरीदने का प्रयास करें, सारा बोझ किसान पे ना डालें, कुछ बोझ हम भी अपने ऊपर ग्रहण करें और जैविक चीजों को खरीदें। और आप लोगों से वादा है, एक बार फिर से अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन, आज के समय, किसी नए विषय पर कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए A1 TV।